ओके, तो मार्च मंथ की हम लोग जो है करंट अफेयर्स करते हैं। जनवरी फरवरी का तो कर चुके थे, फरवरी का पार्सल किया था, जनवरी का तो खैर फुल किया था। मार्च मंथ करते हैं, फुल करने की कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहला क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन 8 से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट पेज मिसिंग है। इवन 7th क्वेश्चन भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या था, तो मैं 8th से स्टार्ट कर रहा हूँ। सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री वॉज सेटअप इन 2016 बाई विच बॉडी। सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री, ये है कि जैसे कई बार ऑनलाइन बैंकिंग करते वक्त अजीबो गरीब लोग डोनेशन मांगते रखते हैं और फ्रॉड मतलब करने के लिए जो है पैसे मांगते रखते हैं, तो पता चल जाए कि ये अकाउंट फ्रॉड वाला है, मतलब उसको रजिस्ट्री हो जाए तो आपको एक अलर्ट टाइप का आ जाए। ये इंटरनेट ट्रांजेक्शन्स पे फ्रॉड को कर्टेल करने के लिए बनाई गई है, और इसमें से जितने भी सस्पिशियस नंबर्स होंगे या अकाउंट नंबर होंगे वो डाल दिए जाएंगे। तो ये आरबीआई ने बनाई है, 8 का सी होना चाहिए। साथ ही साथ आंसर देखते हुए चलते हैं, 8 का मेरे हिसाब से सी यानी कि आरबीआई, 8 का सी आरबीआई, बिल्कुल सही जवाब है मेरा। अगला क्वेश्चन, धोलावीरा 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 ढोली पढ़ेंगे इसको, ढोलावीरा एंड हड़प्पन साइट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं वो पंजाब में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, दूर अफगानिस्तान तक मिली हैं, और पाकिस्तान में है हड़प्पा मोहनजोदड़ो, इंडिया के पंजाब हरियाणा में है, हरियाणा में राखीगढ़ी की साइट है इतनी बड़ी साइट, और राजस्थान गुजरात में, यूपी में भी है, यूपी में भी एक बहुत फेमस साइट है, नाम नहीं याद आ रहा, यूपी में वेस्टर्न यूपी में एक साइट है। तो और धोलावीरा और आई थिंक लोथल, ये दो गुजरात में है, अगर हो मेरे पास तो ये है मैप है, ये है गुजरात का मैप, गुजरात में इंडस वैली सिविलाइजेशन का, राखीगढ़ी हरियाणा में, बाकी पंजाब में तो कोई दिख नहीं रही, इंडिया के पंजाब में हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, हड़प्पा पंजाब में है, मोहनजोदड़ो सिंध में है, और कालीबंगन राजस्थान में है, और धोलावीरा और लोथल गुजरात में है। धोलावीरा भुज, कच्छ बोल सकते हैं, कच्छ डिस्ट्रिक्ट भुज, और लोथल जो है और वो अहमदाबाद के पास, तो लोथल पोर्ट सिटी थी, डॉक यार्ड, और धोलावीरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, और ये यहाँ पे सारे स्टोन्स हैं, बाकी सारे के सारे हड़प्पा मोहनजोदड़ो ब्रिक से बनी हुई सिटीज हैं, धोलावीरा स्टोन से बनी हुई सिटी है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो राखीगढ़ी धोलावीरा लोथल, ये सब बड़े बड़े हैं। तो आते हैं हम लोग, मेहरगढ़ भी आई थिंक पाकिस्तान में ही है, मेहरगढ़ सिविलाइजेशन, तो क्लोज करते हैं इसको, हरियाणा में डाला हुआ है मैंने, चलिए कोई बात नहीं, और गुजरात में डालना था मुझको, सेट हो गया, ये मुझे अपनी अपनी गबड़ से ठीक कर लेनी चाहिए, नहीं गुजरात में डाला हुआ था, तो ह्यूमन जियोग्राफी हरियाणा की क्यों लिखी हुई है, ह्यूमन जियोग्राफी गुजरात, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पहले आंसर तो मिला लेते हैं, मेरे हिसाब से धोलावीरा गुजरात में, यानी कि 9th का बी, 9th का बी सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी नीरा, ये बॉडी 2013 में बनाई गई, वो भी स्टेट्यूट से, और बोथ इंटर स्टेट और इंटर स्टेट प्रोजेक्ट्स लेगी नीरा, पता नहीं यार ये नीरा कब बन गई, नेशनल इंटर लिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी, नेशनल इंटर लिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी, ये है तो कुछ कुछ रिवर इंटर लिंकिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट वर्किंग ऑन द एस्टेब्लिशमेंट, प्रपोज्ड बॉडी है, अरे इसके बारे में विकी में देखते हैं, या नेक्स्ट आईएएस आईएएस की में सब में पड़ा हुआ है, एक्चुअल में विकिपीडिया में इसका कुछ नहीं है। मार्च 4, 2020 में न्यूज में था ये, नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी,
सेंट्रल गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन द एस्टेब्लिशमेंट, अभी बनी नहीं है, ये 2020 की न्यूज है। और ये जो कमेटी है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की, उसकी मीटिंग में ये एजेंडा डिस्कशन का टॉपिक था, प्रपोज्ड बॉडी है। और ये इंटर स्टेट और इंटर स्टेट दोनों प्रोजेक्ट लेगी और अरेंजमेंट भी करेगी फंड का, इंटरनल एक्सटर्नल, और सेंटर और स्टेट में 90-10 बटेगा भी, सरप्लस से डेफिसिट बेसिस में डाला जाएगा। वही रेनफॉल वेरिएबिलिटी, फ्लड और ड्रॉट की सिचुएशन, डिमांड सप्लाई गैप। कमेटी जरूर सुप्रीम कोर्ट ने बनाने को बोली थी 2012 में, और नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भी कुछ चालू चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा, कोसी गंडक घाघरा से यमुनानगर को लिंक कर रहे हैं, पेनिनसुलर रिवर लिंक डेवलपमेंट है, स्टेटस भी है, कुछ 6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन अभी ये अथॉरिटी अभी बनी नहीं है। अथॉरिटी इज नॉट मेड येट। तो स्टेटरी बॉडी स्टेब्लिश इन 2013, ये गलत है। इंटर स्टेट दोनों लेंगे, ये सही है, यानी कि सेकंड ओनली बी, 10th का बी होना चाहिए। 10th का बी बिल्कुल सही जवाब है, बनी ही नहीं अभी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लैक कार्बन, काला कोयला, काला कार्बन, कोयले से ही होगा। ब्लैक कार्बन रिजल्ट फ्रॉम इनकम्प्लीट कम्बशन कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड बायोमास। पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सब फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल से मिलते हैं। बायोमास ऑर्गेनिक मैटर है, इनके जलने से ब्लैक कार्बन आता ही होगा, इनकम्प्लीट कम्बशन। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, सेकेंड लार्जेस्ट है कि थर्ड लार्जेस्ट है ये नहीं पता। सेकेंड लार्जेस्ट मीटर ऑफ ब्लैक कार्बन इंडिया में, हाँ इंडिया में फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस है तो है ही ज्यादा। आई एम नॉट श्योर इसका मैं सही जवाब क्या दूँ, तो 11th का मैं देख लेता हूँ, डी है। 1, 2, 3 सारे सही हैं, ब्लैक कार्बन इनकम्प्लीट कमीशन से आता है, इन सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर भी और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इमिटर भी है, सारे सही है, 11th का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। सुखना लेक रिसेंटली इन द न्यूज लोकेटेड इन विच सिटी। सुखना लेक तो चंडीगढ़ की लेक है आई थिंक, आर्टिफिशियल सुखना चंडीगढ़। 12वीं का डी होना चाहिए, 12वीं का डी, 12वीं का डी सही है, 12वीं का डी सही है। सुखना लेक जो है चंडीगढ़ की है। 13वां, स्कीम्स लाइक शिल्पग्राम, ऑक्टिव, गुरु शिष्य परंपरा। शिल्पग्राम तो हैंडीक्राफ्ट के लिए होगा, गुरु शिष्य परंपरा भी ये कि हैंडीक्राफ्ट की जो आर्ट होती है वो जनरेशन बाय जनरेशन जाती रहे। ऑक्टेव भी वही लग रहा है, क्लासिकल म्यूजिक नहीं है, म्यूजिक से रिलेटेड नहीं है, कल्चर ऑफ द ट्राइबल। भाई हैंडीक्राफ्ट कल्चर में एक है इश्यू, देखते हैं क्या है। 13वें का सी, हाँ ट्राइबल्स के लिए, टू प्रिजर्व एंड प्रमोट द कल्चर ऑफ ट्राइबल। शिल्प ग्राम, ऑक्टेव, गुरु शिष्य परंपरा, ट्राइबल्स की जो हैंडीक्राफ्ट के कल्चर हैं वो पासान होते रहें और ट्राइबल कल्चर बचा रहे, उसके लिए है इनका सी। शिल्प ग्राम, ऑक्टेव, गुरु शिष्य परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्वैम्प वेलेबी। स्वैम्प वेलेबी एक मार्सुपियल है रिलेटेड टू कंगारू। मार्सुपियल उनको बोलते हैं जो अपने कंगारू की तरह बेबी को पाउच में लेके घूमते हैं, कंगारू की तरह। स्वैम्प वेलेबी एक मार्सुपियल है, शायद है। स्वैम्प वेलेबी इज लाइकली द ओनली मैमल प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग ऑल लाइफ लॉन्ग। हाँ ये ऐसा कुछ है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही, मतलब ऑलरेडी पेट में बच्चा है तब भी ये प्रेगनेंट हो जाता है, हो जाती है, और थ्रू आउट द लाइफ प्रेगनेंसी और लैक्टेशन चलता रहता है। दोनों सही लग रहे हैं मुझे, कुछ कुछ पढ़ा था मैंने। तो 14th का डी, 14th का सी, हाँ वो ABCD में का बड़ा, बोथ 1 एंड 2 मतलब सही है। कंसीडर द स्वयं वैले भी दिखा देता हूँ यार, स्वयं वैले भी जीरा कंगारू ही है।
देखिए बेबी पॉक्स जहां पर है, हाँ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ललित कला अकेडमी. अकेडमी वॉज गिवन स्टेटरी अथॉरिटी इन 1957 अंडर द स्टेट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. ललित कला एकेडमी वॉज गिवन स्टेटरी अथॉरिटी 1957 अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. लोकेटेड इन कलकत्ता, दिल्ली में है ललित कला एकेडमी. 15वीं का ए वन ओनली ललित एकेडमी दी स्टेटरी अथॉरिटी 1957 सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये भी सही है बट कोलकाता में नहीं, हेडक्वार्टर दिल्ली में है. मैग बाइंडिंग रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच एरिया फील्ड. मैग बाइंडिंग, बायोडिग्रेडेशन, एयर प्योरिफिकेशन, साइबर मॉनिटरिंग, नन ऑफ द अबव. अरे तो पहली बार सुन रहा हूँ मैग बाइंडिंग. मैक बाइंडिंग, इसके बारे में तो कुछ आ ही नहीं रहा है. मैक बाइंडिंग इसलिए मीन्स बाइंडिंग टू द मैक एंड आईपी एड्रेस, से क्या होगा, सो दैट ऑल रिक्वेस्ट फ्रॉम दैट आईपी एड्रेस इज सर्व्ड ओनली बाय द कंप्यूटर हैविंग देयर पर्टिकुलर मैक एड्रेस. एडवर्टीजमेंट इन इफेक्ट, इट मीन्स दैट इफ आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस चेंजेस द डिवाइस कैन नो लॉन्गर एक्सेस टू द इंटरनेट. अच्छा जम्मू कश्मीर में कुछ हुआ है क्या इससे रिलेटेड? मार्च में इंटरनेट, मैक बाइंडिंग इज द कंडीशन स्पेसिफाइड फॉर इंटरनेट यूज इन जम्मू कश्मीर. After 7 months, the use of social media was allowed in Jammu Kashmir, March. MAC binding के साथ. Every device has a MAC address, media access control address, a hardware number that is unique to it. While accessing the internet, every device is assigned an IP address. MAC binding essentially means binding together the MAC and IP address. The all requests from that IP address are served only by the computer having that particular MAC address. In effect, it means that the IP address or the MAC address changes, the device can no longer access the internet. और स्पीड रहेगी 2G. व्हाइट लिस्टेड साइट, समझ गया. मैक बाइंडिंग जम्मू कश्मीर की तो मैंने न्यूज में कहीं आई थिंक इसका जिक्र किया ही नहीं है. हाउ डिड इट हैपन? करंट अफेयर्स, करंट अफेयर ये वही है जिससे लोग जो है ना ज्यादा खुराफात ना कर सकें, क्योंकि इनको मौका मिलेगा तो ये नकली वीडियो वीडियो बना के पाकिस्तान से डालेंगे, भड़काएंगे. अरब का पैसा आएगा टेररिज्म का. चलो बढ़िया है. मैक बाइंडिंग मार्च में डालूं, मैं कौन से पॉइंट पे डालूं भाई? 32 हो चुके थे, 33, 33 मैक बाइंडिंग मल्टीपल एरिया कंट्रोल.
मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और वो हार्डवेयर नंबर आईपी एड्रेस के साथ लिंक हो जाएगा। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और ये इंटरनेट जम्मू कश्मीर लफड़ा। समझ गया मैं वाला इश्यू क्यों उठा था। आगे बढ़ते हैं, फिर बंद करते हैं इसको। तो मैक बाइंडिंग इज रिलेटेड टू विच फील्ड? साइबर मॉनिटरिंग। 16वें का सी होना चाहिए, मॉनिटरिंग है। इंटरनेट जम्मू का सी मॉडल में 16वें का सी, बिल्कुल सही जवाब। देखा हुआ तो सही तो होगा। मैक बाइंडिंग, साइबर मॉनिटरिंग, और मैक का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और बाइंड कर लेते हैं इसको आईपी के साथ, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के साथ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्यू एस रैंकिंग। इट इज रिलीज इन बाई बर्ड बैंक। बर्ड बैंक क्यों करेगा यार यूनिसेफ ना, इंटरनेशनल रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज। ये बात सही है। 17वें का ऑब्वियसली सेकेंड होना चाहिए, जो सेकेंड 17वें का बी, ओनली सेकेंड। लेकिन सच है कि क्यू एस रैंकिंग निकालता कौन है? आई थिंक ये क्यू एस रील साइमन एक कंपनी है कोई, वो निकालती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाई पीएम। सैलरीज एंड अलाउंसेस पेबल टू एन अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सीआईसी सेम एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। दूसरा तो सही लग रहा है। कैबिनेट कमेटी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कैबिनेट कमेटी बनाएगी, या फिर एक कोई एक पीएम का और लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजीआई का एक वो होगा। 18th का बी, मतलब टू ओनली। पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, पीएम नहीं अपॉइंट करता, एक अपॉइंटिंग एक पूरा पैनल होता है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, अभी देखता हूँ। विमल जुल्का तो है, बनाता कौन है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वजाहत हबीबुल्ला थे पहले, विमल जुल्का है अब। कौन करता है अपॉइंट? नॉमिनेटर कमेटी कंसिस्टिंग द प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन द लोकसभा, एंड अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, सीजीआई नहीं, अपॉइंटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। समझ गए। सैलरी अलाउंसेस वही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाले। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सैलरी एंड अलाउंसेस आर सेम एज इलेक्शन कमिश्नर। व्हेन इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज अपॉइंटेड एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, हिज टर्म ऑफ ऑफिस शैल नॉट बी मोर देन 5 ईयर्स इन एग्रीगेट एज द इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। देखते हैं भाई, 19वें का सी, बूथ 1 एंड 2 सही है। ये भी बात सही है कि इलेक्शन कमिश्नर की तरह होता है, और 5 साल की क्यूमुलेटिव टर्म होती है। आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, कैक तो नहीं है, कैक तो 148। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली भी नहीं है, वो 244 200 कुछ में है, 243 244। प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट 352-356 है, नन ऑफ द एबव। आर्टिकल 324, नन ऑफ द एबव तो होगा 20 डी, नन ऑफ द। आर्टिकल 324 फिर है क्या? आर्टिकल 324
ये कुछ कुछ ऑल इंडिया सर्विसेज, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस थ्रू द पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन है 324, इलेक्शन कमीशन है 324, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324। GST T24, सारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल मैंने लिख रखे हैं। दिल्ली विल्ली 243, 244, दिल्ली वही है भाई, 244 होगा। नहीं, थ्री ट्वेंटी फोर ये रहा इलेक्शन कमीशन। उठाओ यहाँ से, यहाँ से उठा सकते हो। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट इज रिलीज बाय विच बॉडी? फ्रीडम इन द वर्ल्ड, एमनेस्टी, फ्रीडम हाउस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होगा, 21 का ही, 21 का सी निकला। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी फ्रीडम, जहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है वही दो कंट्रीज के लोग एमनेस्टी मांग करते हैं। समझ गए, फ्रीडम इन द वर्ल्ड, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का ऑफिस है कहाँ पे? एमनेस्टी इंटरनेशनल इसे एनजीओ यूके में, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1948।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 126th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. 126th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील्स विद रिजर्वेशन ऑफ एससी एंड एसटी लोकसभा. ये तो एंग्लो इंडियन वाला लग रहा है मुझे. नहीं, इट फॉल्स विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 368 एंड हेंस रिक्वायर्ड टू बी रेटिफाइड बाय लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट. नहीं, दोनों में से कोई सही नहीं है. नीदर वन नॉट टू. 22वें का सी, बोथ वन एंड टू करेक्ट है इनके हिसाब से. रिजर्वेशन ऑफ एस सी एस टी लोकसभा स्टेट असेंबली और इट फॉल्स विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 368 एंड हेंस रिक्वायर्ड टू बी रेटिफाइड बाय लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट बाय सिंपल मेजोरिटी. अच्छा, 126th. SST भी और एंग्लो इंडियन भी है क्या? 126th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. बिल अमेंड्स प्रोविजन रिलेटेड टू रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी एंड एसटी स्टेट फॉर 70 इयर्स. Bill seeks to extend the reservation ST by another year till 30. अच्छा, SST के लिए. Parliament on Thursday passed a constitutional amendment bill to extend quota to SC and ST. Modi government will never stop the reservation system. सिटीजन बिल, ट्रांसजेंडर बिल, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बिल, ऑर्डिनेंस एक्ट बिल, स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप बिल, चिट फंड, कॉन्स्टिट्यूशनल 126 बिल, एनसीटी दिल्ली, अनऑथराइज कॉलोनी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बिल. मैक बाइंडिंग, मैक वन ट्वेंटी सिक्स बिल एस सी एस टी एंग्लो. Move on to the next question. Consider the following statement about gender parity index. It is released by UNICEF in collaboration with Niti Aayog. India's gender parity index indicates that number of girls is more than number of boys at all level of school education. गलत लग रहे हैं दोनों. UNICEF करता है 23 का B.
टू ओनली, पहला तो यूनिसेफ तो नहीं करता है, कौन करता है पता नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सस्पेंशन ऑफ एमपी, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज एम्पावर टू प्लेस ए मेंबर अंडर सस्पेंशन, हाउ द अथॉरिटी फॉर रिवोकेशन ऑफ द ऑर्डर इज नॉट वेस्टेड इन योर, अनलाइक द स्पीकर हाउ द राज्यसभा चेयरमैन डजेंट हैव द पावर टू सस्पेंड ए मेंबर। दोनों सही लग रहे हैं मेरे हिसाब से, 24 का होना चाहिए सी, 24 का सी। हाँ दोनों सही, राज्यसभा का स्पीकर सस्पेंड नहीं कर सकता बट लोकसभा का स्पीकर सस्पेंड कर सकता है, और रिवोकेशन की अथॉरिटी उसमें नहीं होती, रिवोकेशन की अथॉरिटी हाउस के पास होती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस इंक्वायर्स, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का, लोकेटेड इन हैदराबाद एंड एस्टेब्लिश इन 1992। इंक्वायर्स पता नहीं इसके बारे में कुछ भी। 25वीं का सी, दोनों सही है, हैदराबाद में है, हैदराबाद में ओशन और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर है, चलो अच्छी बात है। सोलर चरखा मिशन इज ए स्कीम बाई विच मिनिस्ट्री, सोलर चरखा, चरखा से तो कपड़ा बनाते हैं, या तो MSME होगा, रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, पावर नहीं होगा, या तो टेक्सटाइल होगा। 26वीं का या तो ए होगा या डी होगा, 26वीं का सी निकला है, नहीं 26वीं का सी निकला, बेवकूफ निकल गया भाई हम, MSME है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन कमीशन, इंडियन ओशन कमीशन ये अफ्रीकन वाली कंट्रीज है इंडियन ओशन में, मेडागास्कर है, रियूनियन आइलैंड है, मॉरीशस है, सेशेल्स है। इंडियन ओशन कमीशन में इंडिया नहीं है, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए 1, 2, 3, 5, यानी कि सी, 27वें का सी, बिल्कुल सही जवाब। इंडिया कहाँ से आ गया इंडियन ओशन कमीशन में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सस्पेंशन ऑफ MP, स्पीकर ऑफ लोकसभा इज एम्पावर्ड, राज्यसभा चेयरमैन के, 28वें का सी। नारी शक्ति पुरस्कार कौन सी मिनिस्ट्री देती है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होगी और कौन होगा, 29वें का सी। नमदा इज ए ट्रेडिशनल कॉफ्ट ऑफ नमदा कश्मीर, 30वें का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ सावन, साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क, साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क, साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क। इंडिया, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान। अफगानिस्तान नहीं होगी चलते चलते, और क्या होगा, तो 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5 कोई है ही नहीं। 31 का सी, मतलब सब है, नहीं 3 नहीं है, म्यांमार नहीं है, म्यांमार वैसे भी बहुत सारे हाथियों को मार मूर के दो दो पैसा कमाता होगा इसलिए नहीं है। 31 का सी, मतलब 3 नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL इसरो की, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की सेकेंड कमर्शियल आर्म, इसरो की सेकेंड कमर्शियल आर्म है, 32वें का सी, बोथ 1 और 2, और ये लोकल इंडस्ट्री स्पेस मैन्युफैक्चरिंग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉर्ड ब्लुक बैंकिंग, पहली बार सुना यार ये नाम। इट इन्वॉल्व टेकिंग द अनएम्बेलिकल कॉर्ड ब्लड, रिच सोर्स ऑफ स्टेम सेल, कॉर्ड ब्लड बैंकिंग, अच्छा कॉर्ड ब्लुक बैंकिंग नहीं, कॉर्ड ब्लड बैंकिंग है, कॉर्ड ब्लड बैंकिंग इज एक्नॉलेज्ड सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स, सही लग रहे हैं दोनों। 33 का ए, पहला सही है दूसरा सही नहीं है, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर एंड डिसऑर्डर, नहीं सही है। काली टाइगर रिजर्व, काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक महाराष्ट्र तो क्या, काली कर्नाटक है, 34 का ए, पक्की बात है कर्नाटक है, कर्नाटक गोवा के पास है काली टाइगर रिजर्व। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दोसर पिरामिड, क्या दोसर पढ़ेंगे कि जोसर पढ़ेंगे। इट इज कंसिडर्ड वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंटल स्टोल बिल्डिंग, इट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी है नहीं, ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंटल स्टोन हो सकती है। 35 का सी, बोथ 1 और 2 नहीं है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है,
ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंटल स्टोरी बिल्डिंग है? जूसर पिरामिड, देखना पड़ेगा यार, जूसर पिरामिड, दो सर पिरामिड। अच्छा स्टोन की तो है ही, पिरामिड ऑफ जोशर ओपन, फर्स्ट पिरामिड एवर बिल्ट इज स्पेशल, द स्ट्रक्चर इज बिलीव टू बी डिजाइन बाई इमहोतेप, इसका इज द फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, इमहोतेप। इजिप्ट री ओपन द पिरामिड ऑफ जोशर, फर्स्ट पिरामिड एवर बिल्ट, कब की न्यूज है भाई? मार्च 2020, मार्च की न्यूज है, अच्छी खासी इंपॉर्टेंट है। कौन सा पिरामिड था जोसर का? पिरामिड ऑफ जोसर, ओल्डेस्ट पिरामिड स्टोन बिल्ट, भाई ओल्डेस्ट पिरामिड है तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो ही गए होएगा, इमोथेप ने बनवाया था। कब खोला गया था? 9 मार्च को। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज, कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज कर्नाटक के जंगल अंगल में है कहीं। बैक्टीरिया ट्रांसमिट टू मॉस्किटो बाइट्स, मॉस्किटो बाइट्स इट्स फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन सिक मंकी कैसानूर कर्नाटका, सही लग रहे दोनों स्टेटमेंट। 36 अभी सेकेंड वाली, अच्छा बैक्टीरिया नहीं है, तो क्या है, वायरस है क्या? क्या सा नो फॉरेस्ट डिसीज, क्या सा नो फॉरेस्ट, वायरल है, टिक बोन, वायरल हेमरेजिक फीवर, वायरल है बैक्टीरियल नहीं है, और इन्फेक्टेड टिक्स के थ्रू होता है, मॉस्किटो की तरह नहीं होता है। टिक क्या चीज होती है? टिक टिक ये होती है, मकड़ी टाइप कुछ होती है, टिक खटमल मकड़ी टाइप कुछ होता है। टिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? मकड़ी टाइप होती है टिक, वो करती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महुआ, महुआ इज ए प्रोमिनेंट फॉरेस्ट ट्री इन ट्राइबल एरिया ऑफ बस्तर छत्तीसगढ़, और प्रोटीन विटामिन मिनरल, पहले तो महुआ शराब बोली जाती थी लेकिन अब नया जमाना है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन विटामिन मिनरल हो गया भाई, नया री इनकार्नेशन किया जा रहा है। 36 का सी, बोथ 1 एंड 2 होना चाहिए, 36 का बी, 2 ओनली, प्रोमिनेंट फॉरेस्ट ट्री इन ट्राइबल एरिया बस्तर छत्तीसगढ़ तो है ना, 37 का ए, 1 ओनली, मोवा फ्लावर्स अदर इज सोर्स ऑफ प्रोटीन, फ्लावर मोवा के फ्लावर होना चाहिए कि फ्रूट होना चाहिए, ये क्वेश्चन है, सोर्स कौन है, फ्लावर यूज किया जाता है कि फ्रूट यूज किया जाता है मोवा का? महुआ, मधुका लैंगिफोलिया ट्री है, और वार्म एंड ह्यूमिड रीजन्स का ट्री है,
लीव्स पे तासर सिल्क जो है होता है, अल्कलॉइड्स होते हैं मधुका सीड्स में, फिशेस मारने के लिए यूज करते हैं, फ्लावर एडिबल है, फ्लावर एडिबल है, अच्छा फ्लावर्स ही है, ये है फ्लावर्स, और फ्लावर को ही फर्मेंट करके महुआ मिलता है। बस्तर, उड़ीसा, संथाल, कोया अफगान प्रदेश, भील मध्य प्रदेश, नॉर्थ महाराष्ट्र के ट्राइबल उनका कल्चर का हेरिटेज मानते हैं महुआ पीना। वेस्टर्न उड़ीसा में भी महुआ फ्लावर्स। तो फिर क्यों गलत है अगर फ्लावर्स ही यूज करते हैं तो? एनीवे, अत्तकुल पोंगल इज ए फेस्टिवल विच स्टेट, आंध्र प्रदेश होना चाहिए। 38 का, यार ये तो पक्की बात है, 38 का भी केला, 38 का भी, 38 का भी, अत्तकुल पोंगल केला, अत्तकुल पोंगल केला, अत्तकुल पोंगल, अच्छा ये है औरतों वाला पोंगल, केला, अत्तकुल पोंगल, अत्तकुल पोंगल केला। प्लांट डिसिपेट एक्सेस सनलाइट एज हीट, द एक्सेस एनर्जी इफ नॉट रिलीज लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ फ्री रेडिकल दैट कैन डैमेज प्रोटीन एंड अदर इंपॉर्टेंट सेलुलर मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्लांट। दोनों सही लग रहे हैं, 39 का ही बोथ करेक्ट एंड रीजन तक करेक्ट। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, नहीं डील्स विद इंटरकनेक्टेड एडॉप्शन हेग कन्वेंशन, दूसरा सही लग रहा है मुझे, 40 का बी, हाँ सेकेंड स्टेटमेंट सही है। ओ फिर तो मैंने देखी, थालवेक प्रिंसिपल ऑफन सीन इज रूज रिलेटेड टू विच, थालवेक से मैरीटाइम बाउंड्री डिटरमाइन करते हैं 100%, इंडिया और पाकिस्तान में सर क्रीक को लेके जो इश्यू है वही है, 41 का सी, 41 का सी, हाँ थालवेक, थोड़ा सा और जान लेते हैं, थालवेक प्रिंसिपल, थाल वेग प्रिंसिपल, थालवेग प्रिंसिपल, थालवेग इज द लाइन ऑफ लोएस्ट एलिवेशन विद इन ए वैली और वाटर कोर्स। थालवेग प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर दो पॉलिटिकल एंटिटीज के बीच में बाउंड्री डिसाइड करनी है तो वो एक वाटर वे रिलेटेड टू ए वाटर वे विदाउट फर्दर डिस्क्रिप्शन द बाउंड्री फॉलो इज द थालवेग ऑफ दैट वाटर कोर्स। इन पर्टिकुलर द बाउंड्री फॉलोज द सेंटर ऑफ द प्रिंसिपल चैनल विच इज प्रेज्यूमली द डीपेस्ट पार्ट, इफ देयर आर मल्टीपल नेविगेबल चैनल्स इन ए रिवर वन प्रिंसिपल यूज फॉर डाउन स्ट्रीम ट्रेवल, टी टी ऑफ वर्सा है। समझ गया, ईरान अरब में चल रहा है, इराक ईरान में चल रहा है, सत्तल अरब को, इंडिया पाकिस्तान में भी चल रहा है, थालवेक, समझ गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टिकल 300A, 300A राइट टू प्रॉपर्टी वाला है क्या, 42nd अमेंडमेंट 1968, लैंड बट कॉपीराइट, आईपीआर, मोर्टगेज, मनी लाइसेंस, नहीं भाई पहला सही है खाली, 42 का बी करेक्ट, गलत लग रहा है मुझको, गलत लग रहा है आर्टिकल 300A, गलत विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया चाहिए,
ये है आर्टिकल 300, वो कैन नॉट डिप्राइव समवन ऑफ प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। अच्छा, 44th अमेंडमेंट से डाला गया था, वो 78 में डाला गया था। इसमें लिखा है 42nd 76 से तो हटाया गया होगा, डाला गया है 44th से, तो पहला तो गलत है। प्रॉपर्टी मतलब कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब कौन सी प्रॉपर्टी, तो लैंड भी है, इंटेंजिबल, कॉपीराइट भी है, आईपीआर भी है, मनी भी है। ओके, समझ गया। सेकंड वाले, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 81 बॉन्ड्स, दे आर अनसिक्योर्ड एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स विद मेच्योरिटी पीरियड लाइक 5 ईयर 10 ईयर। बैंक इश्यू दीज बॉन्ड्स टू शोर अप देयर कोर कैपिटल बूस्ट टू मीट द बेसल थ्री। नाउ सही लग रहे हैं दोनों। 43 कभी, यानी कि सेकंड वाली, पहला सही नहीं है। 81 बॉन्ड्स अनसिक्योर्ड एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स विद मेच्योरिटी, अनसिक्योर्ड एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड नहीं है क्या? 81 बॉन्ड्स, 81 बॉन्ड्स, अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स तो हैं। 10 मार्च में हो जाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू इश्यूइंग इस एडिशनल टियर वन बॉन्ड्स ऑफ यस बैंक। आरबीआई डिसीजन हैज इंक्रीज अनसर्टेनिटी ओवर दी लार्ज लीडिंग एंड ग्लोबल पर्सनल बिजनेस। 81 बॉन्ड्स आर काइंड ऑफ परपेचुअल बॉन्ड्स विदाउट एनी एक्सपायरी डेट। गलत इसमें क्या है कि अनसिक्योर्ड तो है It लेकिन is 5 साल या 10 साल difficult की कोई for मैच्योरिटी parents नहीं to follow होती, all परपेचुअल internet है। safety measures for their kids, और keeping a क्वाजी child's इक्विटी है curiosity एक तरीके healthy से, is imperative. और For 81 that, बॉन्ड्स here are बाकी seven बॉन्ड्स safe की तरह search sites and एक apps रेट ऑफ for इंटरेस्ट kids देते that हैं, parents would ज्यादा ही देते हैं इंटरेस्ट। absolutely love. लेकिन ऐसा पैसा वापस करने का कोई ऑब्लिगेशन 5 साल 10 साल Zoodle is में an नहीं app है। that can be accessed over any of your devices लिस्ट भी and होते हैं, creates ट्रेड a भी करते safety हैं, layer called kid मार्केट mode. में बिकते भी हैं। This mode locks और away जिस all बैंक का the other खरीदा उसको apps. तुम वापस नहीं कर Kids सकते, can रीडिंग नहीं हो access सकते। Zoodle's massive content और 81 library of बॉन्ड की engaging learning 94,000 apps, अकाउंट भी videos मार्केट and है। books. It also gives a कहां से detailed इतना report of सब the kids' activity while ensuring that the kids are exploring safely. 86, 81, Kiddos is a content discovery and recommendation bond. platform for children. It allows parents to have access to top quality content including videos, games, etc. from a wide range of companies. This platform banks also supports child lock sell and parental control. लेकिन उनको कोई obligation नहीं होता है। KidSearch is a kids-friendly search engine. It offers preset search categories based on interests across a variety of subjects, images, videos, games, websites, articles, and much more. No The maturity website period. uses Google Safe Search to show appropriate web results. Kiddle is another great search engine powered by Google Safe Search technology for kids that filters out all unwanted results. Like KidSearch, Kiddle also has a quick 81 bonds. Higher yield देते हैं। स्क्रैप किए जा रहे हैं, तो जो जिन लोगों ने पैसा लगाया 81 बॉन्ड में उनका क्या होगा? पोंजी स्कीम हो गई। डॉन बॉन्ड्स अभी फिक्स मैच्योरिटी परपेचुअल नेवर गैप गैप बेट देयर प्रिंसिपल, ये बढ़िया है।
बैंक 81 बॉन्ड्स निकालते हैं। चलो 81 बॉन्ड्स समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, 43 था ये, 44। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। 70 हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर बनाने और नीति आयोग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी इसको देखेगा। 44 का ए पहला सही है। नीति आयोग कहाँ से आ गया सुपर कंप्यूटर में? युवा विज्ञानी कार्यक्रम, युवा विज्ञानी युविका, युविका, नीति आयोग, इसरो, डीआरडीओ। इसरो होगा मेरे हिसाब से। 45वें का सी, इसरो जो है युविका प्रोग्राम चला रहा है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग। इट इज एजेंसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एजेंसी फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। 46 का बी, 2 ओनली। मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन विद फॉरकास्टिंग सेस्मोलॉजी के लिए है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं है, तो फिर किसके अंदर है? अगर साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं है तो किसके अंदर है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किसके अंदर है? एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस भी तो है एक भैया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ निधि कंपनीज। निधि कंपनीज का कोर बिजनेस है बारो लेंड करना मनी का अपने आप मेंबर्स के बीच में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, 47 सही लग रहे हैं दोनों का सी। हाँ दोनों सही हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर सिटीजंस एंड नॉट फॉर फॉरिनर्स, ऐसा कुछ नहीं है। एनपीआर एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड बाय ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अंडर यूनियन होम मिनिस्ट्री। सेकंड सही लग रहा है, पहला सही नहीं लग रहा है, बी होना चाहिए। 48 का बी, मैं बिल्कुल सही बोला हूँ। सिटीजन फॉरन दोनों के लिए एनपीआर और होम मिनिस्ट्री करवा रही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आर नॉट ऑफन सीन इन रिलेटेड विद एरिया। आर नॉट बताता है कंटीजियसनेस ऑफ इन्फेक्शस एजेंट। जैसे मान लो किसी एक बंदे को कोरोना हो जाए वो ऑन एवरेज कितने लोगों को कोरोना फैला देगा? 2, 3, 5, 10, 100 जो भी, मतलब 2 या 3 के आसपास हो, तो वो एक नंबर होगा। 2.3, 2.1 भी हो सकता है। जैसे मान लो अगर 10 लोगों ने 30 लोगों को कोरोना फैलाया तो 23/10, 2.3 एक उसका आर नॉट फैक्टर हो गया। कंटेजियसनेस बताता है, मतलब आर नॉट जितना ज़्यादा होगा उतना कंटेजियस डिसीज होगी। तो ये 49 का सी होगा। 49 का बी दे रखा है, नहीं हाँ कंटेजियसनेस भी तो है, सही तो है। 49 का बी, हाँ सही, 49 का बी कंटेजियसनेस। 50, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इट प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर्स अगेंस्ट इरेशनल स्पाइक्स। इट स्टेट्स आर द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, दोनों सही हैं। 50 का 80 होना चाहिए और मैं बिल्कुल सही हूँ, 50 का सी ही है। मार्च का करंट अफेयर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 50th तक आई थिंक क्वेश्चन कर लिए थे, 51st से आगे पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रपोज्ड सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीईटी विल रिप्लेस द फर्स्ट लेवल टेस्ट कंडक्टेड बाय एसएससी, आरआरबी एंड आईबीपीएस। ये बात सही है। इट विल बी कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये बात भी सही है कि कॉमन टेस्ट की सेट टाइप की बात हो ही रही है, नई एजुकेशनल पॉलिसी में भी आया है। तो ये सही लग रहा है, 51 का सी, बोथ 1 एंड 2 होना चाहिए। 51 का ए पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। इट विल बी कंडक्टेड बाय एनटीए,
एनटीए से कंडक्ट नहीं होगा तो क्या कोई नई बॉडी बनाएंगे? हो सकता है नई बॉडी हो, इसलिए गलत है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्किट ब्रेकर। भाई शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो सर्किट ब्रेकर पता है, अचानक से किसी शेयर का अगर बहुत ज़्यादा मतलब जैसे 10% अप या डाउन हो जाए तो वो उसमें सर्किट ब्रेकर लगा के ट्रेडिंग बंद कर देते हैं। तो सीबी 2009-2008 की क्राइसिस में ट्रिगर हो जाते हैं तो ट्रेडिंग हाल्ट हो जाती है। 52 का बी सेकंड तो सही है, बट ये 2008 में नहीं उससे पहले ही से ही है शायद मार्केट में। देख लेते हैं सर्किट ब्रेकर ट्रेडिंग। बहुत पहले से है सर्किट ब्रेकर की कॉन्सेप्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विवाद से विश्वास। विवाद से विश्वास वो है कि जैसे मान लो मैं खूब कमाने वाला डॉक्टर हूँ, इनकम टैक्स ऑफिसर जो है मुझसे बोल रहा है कि इतना इनकम टैक्स दो, मैं बोल रहा हूँ ना इतना नहीं होना चाहिए। अब वो डिस्प्यूट कोर्ट में चला गया, टैक्स भी नहीं पे हुआ, गवर्नमेंट कह रही है कि एक बार में तुम दे दो जो है कुछ पेनाल्टी हटा देंगे हम और टैक्स डिस्प्यूट खत्म करो। एक इनडायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट कहाँ हुआ? ये वो डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म हुई। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं मतलब कंपनीज के लिए नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स के लिए नहीं है, ये इनकम टैक्स के लिए है। और जो डिस्प्यूट है वो टैक्स दे के इंटरेस्ट और पेनल्टी हटवा सकते हैं। तो आई थिंक 53 का दो से पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। 53 कभी, हाँ सेकेंड स्टेटमेंट सही है, पहला नहीं सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सार्क। सार्क मेंबर स्टेट्स ऑक्यूपाई जस्ट 3% ऑफ वर्ल्ड लैंड मास। हाँ छोटा ही होगा इंडिया पाकिस्तान। पॉपुलेशन 21%। हाँ पॉपुलेशन तो इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान में कोई कमी तो है। सार्क का सेक्रेटरिएट न्यू दिल्ली में है। नहीं नहीं सार्क का सेक्रेटरिएट काठमांडू में होगा आई थिंक। 54 दोनों पहला सही दूसरा गलत है। 54 का वन होना चाहिए, 54 का ए हाँ पहला सही दूसरा गलत है। और सार्क का सेक्रेटरीट काठमांडू में है 100%। एक बार चेक कर लेते हैं सार्क का सेक्रेटरीट कहाँ है। काठमांडू में सही बोला था मैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। जैसे NDRF है वैसे SDRF है। इट्स एन स्टेटरी बॉडी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में। हाँ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम या डिजास्टर रिस्पॉन्स मैनेजमेंट है। और ये जो फंड है सप्लीमेंट्स द SDRF ऑफ ए स्टेट इन केस ऑफ ए सवेयर नेचर। दोनों सही लग रहे हैं। 55 में 55 का सी हाँ दोनों सही हैं। NDRF भी सही है, SDRF भी है। और SDRF में अगर पैसा कम पड़ता है तो NDRF से आता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रुसिकुलिया रिवर। ये रिवर तो पक्का उड़ीसा की है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम दरिंगबाड़ी हिल्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल। सही है उड़ीसा बे ऑफ बंगाल। रुसिकुलिया रिवर माउथ हैज इमर्ज एज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट ऑफ द इंडेंजर्ड ऑलिव रिडले टर्टल। ये बात भी सही है भाई। ऑलिव रिडले टर्टल पहले रुसिकुलिया नहीं वो होते थे भीतरकनिका मैनग्रूव के साइड पे, शिफ्ट होते होते वो रुसिकुलिया के रिवर पे आ गए। शिफ्टिंग हुई है मतलब ऑलिव रिडले टर्टल्स की नेस्टिंग साइट उन्होंने पोल्यूशन वोल्यूशन जहाँ पे था वहाँ से हटा के अब रुसिकुलिया रिवर माउथ पे ले आए। ये दोनों सही लग रहे हैं। 56 का सी होना चाहिए, है दोनों सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्किट ब्रेकर इन स्टॉक एक्सचेंज। गुजरात नागालैंड असम मणिपुर कर्नाटक स्पेशल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 371। इसमें सर्किट ब्रेकर कहाँ से आ गया? वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द आर्टिकल 371 ग्रांटिंग स्पेशल प्रोविजन यूनिक रेट ऑफ द बैकवर्ड रीजन। 371 के लिए तो दोनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं मेरे को।
57 का सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल क्रेसे स्कीम। और ये कहाँ कहाँ की स्कीम आते हैं यार। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, डे केयर फैकल्टी, डे केयर फैसिलिटी, 6 months to 6 year, दोनों सही लग रहे हैं। 58 ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट। ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट मुझे नहीं पता, बट गैस करूंगा एमनेस्टी तो नहीं होगा, बिल एंड मेलिंडा भी नहीं होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन होना चाहिए या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होना चाहिए, ए या बी। 59 का ए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, स्टेटरी बॉडी और स्टैंडर्डाइजेशन, दोनों सही लग रहे हैं। 60 का सी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लासिकल लैंग्वेज, ऑल शेड्यूल्ड 8 लैंग्वेज। भाई शेड्यूल 8 में तो 22 लैंग्वेज है, सब तो है ना क्लासिकल लैंग्वेज है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्रोवाइड द गाइडलाइन, दूसरा सही लग रहा है इसका खाली। ये कौन सा क्वेश्चन है, 61, 61 का बी। हाँ सिर्फ दूसरा सही, पहला नहीं है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ICMR, इन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इट वॉज स्टेब्लिश इन 1911 एज इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, मेकिंग इट वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी इन द वर्ल्ड। इट इज फंडेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। दूसरा तो सही है और पहला भी सही लग रहा है। 62 का सी। हाँ दोनों सही है। ICMR कोई बहुत मतलब नई बॉडी नहीं, पुरानी बॉडी, 1911 में स्टेब्लिश हुई थी, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है वर्ल्ड में। ICMR मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आती है। नेक्स्ट आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। नॉमिनेटेड मेंबर्स इंजॉय ऑल द पावर प्रिविलेज इम्यूनिटी इलेक्टेड मेंबर। ये बात तो सही, कोई डिफरेंस तो ना होता है। नॉमिनेटेड मेंबर हैज सीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग हिज एसेट्स एंड लायबिलिटी। नहीं ये सही नहीं लग रहा, वन ओनली लग रहा है। कौन सा क्वेश्चन है, 63, 63 का बी, टू ओनली। क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। टू ओनली, टू सही है 63 का। अरे ये कैसे हो सकता है यार, 63 का बी। A nominated member has been exempted from filing his assets and liabilities under Representation of People Act. Elected member को 90 दिन के पीछे करना पड़ता, बट वो इलेक्टेड तो है ही नहीं। अच्छा, और सारे पावर प्रिविलेज इम्यूनिटीज नहीं मिलते क्या इनको, इंक्लूडिंग देयर राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नॉमिनेटेड मेंबर्स भी वोट कर ही सकते होंगे, नहीं कर सकते क्या। नॉमिनेटेड मेंबर्स इन राज्यसभा, तुलसी, स्वप्न दास गुप्ता, सुब्रमण्यम स्वामी, नरेन जाधव, सुरेश गोपी, मंगते, मैरी कॉम, संभाजी राजे छत्रपति, रूपा गांगुली, राम सकल, राकेश सिन्हा, सोनल मान सिंह, रघुनाथ महापात्रा, जॉर्ज बेकर, छोड़े
कुछ मिल नहीं रहा इस बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। स्टेटरी बॉडी सेटअप इन 1997। चेयरमैन ऑफ क्यूसीआई इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ बॉडीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कहाँ कहाँ से लाते हैं ये क्वेश्चन? 65 का बी टू ऑनली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैसनूर फॉरेस्ट डिसीज जूनोटिक डिसीज है, इंडेमिक टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया गलत है क्योंकि ये कर्नाटक की है, देर इज नो वैक्सीन ये भी बात सही है, तो सेकेंड ऑनली मेरे हिसाब से जो 66 है वो सेकेंड ऑनली होना चाहिए। 66 का डी, नाइदर वन नॉर टू, देर इज नो वैक्सीनेशन फॉर द डिसीज एंड कैन ऑनली बी प्रिवेंटेड बाई प्रिकॉशनरी मेजर यूजिंग इंसेक्ट रिपेलेंट्स एंड वेयरिंग प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग इन एरियाज वेयर टिक्स आर एंडेमिक। होता तो टिक्स ही है। 66 का डी, 66 का डी लिखा है, गलत है दूसरा शेट, पता नहीं क्यों गलत है। वैक्सीन है क्या कैसनो फॉरेस्ट की? कैसनो डिसीज हाई फीवर हेडेक चिल वायरोलॉजी ट्रांसमिशन डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्रिवेंशन इज बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन है तो अगला क्वेश्चन। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा सही लग रहा है। गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एरियाज अंडर द 6th शेड्यूल, ये भी बात सही है। 67 के दोनों सही लग रहे हैं मुझे तो। 67 का सी, हाँ बोथ 1 एंड 2 ठीक। गवर्नर हेड होता है 6th शेड्यूल एरियाज का। Consider the following statement about Tejas aircraft. It is manufactured by Hindustan Aeronautics Limited, HAL. HAL Tejas. नाम तो सही सुना सुना लग रहा है। Lightest and smallest multi-role supersonic fighter aircraft in its class. दोनों सही लग रहे हैं मुझे तो। 68 का B. Second सही है, but पहला सही नहीं। HAL नहीं बनाती है। पहले यार। तो Tejas कौन बनाता है? HAL नहीं बनाती। NAL बनाती है क्या? तेजस, HAL तेजस, नाम ही यार HAL तेजस है। HAL तेजस डेवलप बाय HAL एंड ADA, मिग को रिप्लेस कर रहा है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट HAL ने बिल्ड किया है। हो सकता है कि ये वाले जो पॉइंट है कि अमेरिका यूएसए की बोइंग कंपनी के साथ ये कपड़ हो, क्योंकि बोइंग फोइंग के साथ नहीं बना रहा है ये, इंडिया का इंडिजिनस है HAL और डिजाइन ग्रुप में NAL है। बैकरल तो रेडियो एक्टिविटी होती है यार। 69 का ये, 69 का ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। Tenure of the chairperson and member is 5 years until 670. Recommendation of HSRC are binding on state government or authority. Binding तो नहीं होगी। और 5 साल 70 वाला सही लग रहा है। 70वें का पहला होना चाहिए। ठीक हाँ सही है। Which of the following is true about regarding state human rights commission? Commission has the power of a civil court. Suo motu cognizance ले सकता है। It can recommend compensation to victim. बाइंडिंग नहीं होती हैं। स्पेशल और एनुअल रिपोर्ट होती है स्टेट लेजिस्लेचर को। सारे ये सही लग रहे हैं मुझको। 71 का डी होना चाहिए।
71 का डी, सारे सही है। एनडीआरएफ के बारे में बताइए। एनडीआरएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के भीतर होती है, होती है। डेडिकेटेड डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर है ओनली, अरे दुनिया भर में सब जगह होगी, सिर्फ पहला होना चाहिए। 72 का सी, बोथ 1 और 2, ओनली डेडिकेटेड डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर इन द वर्ल्ड। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर तो है ही एनडीआरएफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, इकोनॉमी को डेवलपमेंट एक्विट करना है, बैकवर्ड क्लासेस का पूरा सेक्शन का, स्किल डेवलपमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, दोनों सही लग रहे हैं मेरे को। 73 का बी, दूसरा सही है, पहला नहीं है, मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर नहीं है, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर होगा। ह्योगो फ्रेमवर्क एंड सेंडाई फ्रेमवर्क डिजास्टर मैनेजमेंट। ह्योगो फ्रेमवर्क जापान, सेंडाई जापान, ये सब डिजास्टर मैनेजमेंट में है। 74 का ए, 74 का ए, ह्योगो सेंडाई डिजास्टर मैनेजमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। इंडिया रैंक्स 106 इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा कंजम्पशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। 75 का मुझको नहीं पता, दोनों से लग रहे हैं। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रिसिटी का और 106 है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा कंजम्पशन। इलेक्ट्रिसिटी तो काफ़ी प्रोड्यूस होती है, बट कंजम्पशन पर कैपिटा काफ़ी कम है। पर कैपिटा कंजम्पशन 106, मतलब हम जितनी ज़्यादा बिजली कंज्यूम नहीं करते जितनी बाकी दुनिया कंज्यूम कर रही है। भाई पर कैपिटा बेसिस पे देखना चाहिए ना, पर कैपिटा में तो हम 100 पे भी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे, बाकी कंट्रीज में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेडार। लेडार मतलब लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, सुनार की तरह रिमोट सेंसिंग है जिसमें लाइट यूज करते हैं लेजर की तरह, बिल्कुल सही है। फर्स्ट टू जॉन स्पेस क्राफ्ट ड्यूरिंग द अपोलो मिशन। व्हेन एस्ट्रोनॉट मैप द सरफेस ऑफ द मून, ये नहीं पता था मुझको, देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट तो सही है, 76 का सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। लेडार सबसे पहले अपोलो 15 मिशन में यूज किया गया था। लाइट एंड रडार, हिस्ट्री नहीं दे रखी यार इसकी। Under the direction of Malcolm Stitch, the Hughes Aircraft Company introduced the first radar in 1961. Radar first application come in meteorology, clouds and pollution. The general public became aware of the accuracy and usefulness of radar during the Apollo 15 mission. Okay, got it. यूके सिन्हा कमेटी आरबीआई ने किस लिए बनाई है। यूके सिन्हा कमेटी एमएसएमई के लिए बनाई है। 77 का सी। विंड्रस स्कैंडल सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। यूएसए, ब्रिटेन, इंडिया, कनाडा। आई थिंक विंड्रस स्कैंडल ब्रिटेन में है ऐसा, मतलब हुआ स्कैंडल कुछ नहीं था। ब्रिटेन जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी जमैका वेस्ट इंडीज वाली, वहाँ से कई सारे लोग, ब्लैक्स लोग जब आए थे ब्रिटेन में तो उनको नेचुरल सिटीजन, मतलब सिटीजनशिप लेने तो उनको मना कर दिया गया था। वही विंडस स्कैंडल है ब्रिटेन का। 78 का बी, 78 का बी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पुरी जगन्नाथ टेम्पल। 12वीं सेंचुरी में बनवाया गया था गंगा डायनेस्टी से, सही लग रहा है जगन्नाथ टेम्पल पुरी। और रथ यात्रा के लिए फेमस है जगन्नाथ, बाहुबली और बलभद्र और सुभद्रा, सही लग रहे हैं दोनों। 79 का सी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिक्स शेड्यूल।
ट्राइबल एरिया असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा, गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, बिल्कुल दोनों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ ए G7 ग्रुपिंग? यूएसए, चाइना, इटली, इंडिया। इंडिया तो नहीं है, तो यूएसए, चाइना, चाइना भी नहीं है सर, इटली होगा 103, बी होना चाहिए 81 का, 81 का बी, बिल्कुल सही ना, इंडिया है ना चाइना है G7। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्राइफेड, स्टेटरी बॉडी इस्टेब्लिश बाय ट्राइफेड एक्ट ऑफ 1987, ट्राइबल पीपुल इंक्रीज देयर इनकम। हाँ सही है, ट्राइबल प्रोडक्ट्स के लिए होता है। 82 का बी दूसरा सही है, पहला नहीं, 1987 नहीं, उससे पुराने। अब कब का मुझे याद तो ना होगा, इतना तो नहीं याद रहेगा कब हुआ था, लेकिन है पुराना, देख लेते हैं। चलो अगर ट्राइफेड की बात हुई है तो देख ही लेते हैं ट्राइफेड। विकी में इसके बारे में कुछ है ना? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, अगस्त 1987। ट्राइफेड, ट्राइफेड 1987, स्टेटरी बॉडी मिल नहीं रहा इसके बारे में। फुल फॉर्म ऑफ ट्राइफेड इज ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। 1987 में ऑपरेशन, 1988 में न्यू दिल्ली, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए है। अच्छा 1987, बट स्टेटरी नहीं है शायद, तो इसलिए शायद दूसरा का पड़ा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रधानमंत्री वन धन योजना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और ट्राइफेड का है, मार्केट लिंक ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप और ट्राइबल प्रोड्यूसर की, पता नहीं यार ये क्या है। 83 का सी, दोनों सही है। प्रधानमंत्री वनधन योजना ट्राइबल अफेयर की और ट्राइफेड की है, और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रही है ट्राइबल कम्युनिटीज में। देखते हैं भैया, प्रधानमंत्री वनधन योजना, पीएम वन धन योजना, एम्पावरिंग ट्राइबल कम्युनिटीज थ्रू वैल्यू एडिशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं ट्राइबल में, वर्किंग कैपिटल दे रहे हैं। ट्राइबल गैदरर, 30 लाख का अनुदान मिलेगा, ट्राइबल्स को पैसा बांट रहे हैं। वन धन योजना त्रिपुरा, हैंडीक्राफ्ट, ट्रिक 84। कंसीडर फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कलर कोडेड वेदर वार्निंग, इसरो, इसरो और अलर्ट पीपल, इसरो क्यों, वेदर तो कोई और देखता होगा ना, सवेर वेदर फिनोमना के लिए। कौन सा क्वेश्चन है? 84, 84।
84 84 84 84 B सेकंड सही है। इसरो नहीं करता, ये कोई और करता है। लट कौन करता है? कलर कोडेड वेदर वार्निंग सिस्टम इंडियन आईएमडी करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यार वही मुझे लग रहा था यही करता होगा। एनपीआर विल बी प्रिपेयर्ड एट नेशनल लेवल, सेंसस इज हेल्ड आफ्टर एवरी 15 ईयर। सेंसस तो हर 10 साल बाद होता है और एनपीआर नेशनल लेवल पे प्रिपेयर होगा, ये भी गलत लग रहा है। एनपीआर स्टेट लेवल पे होगा, नहीं नेशनल लेवल पे होगा। वन ओनली 85 का वन होना चाहिए, 85 का डी। दोनों गलत हैं, एनपीआर स्टेट लेवल पे होगा। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर आज देख ही डालते हैं सब साला इसका। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर विक्की का, विक्की नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सज्जन। क्रिएशन इज मैंडेटेड बाय 2003 अमेंडमेंट ऑफ सज्जन सिट एक्ट 1955। स्टेट वाइज हो रहा है, पहले आसाम के लिए। कंट्री नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज ए लिस्ट ऑफ ऑल द पीपल रिजाइडिंग इन इंडिया, बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। अच्छा पॉपुलेशन रजिस्टर है ना कि सिटीजन से रजिस्टर। एनपीआर इज ए फर्स्ट स्टेप टूवर्ड क्रिएशन ऑफ एनआर निक सिटीजनशिप स्टेट ऑफ एवरी यूजर रेजिडेंट। लिस्टिंग इज डन एट द लोकल सब डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल लेवल। सेंटर कैन इशू एन ऑर्डर टू प्रिपेयर द एनपीआर एंड क्रिएट द एनआरसी बेस्ड ऑन डेटा गैदर इन द एनपीआर। प्रोटेस्ट अगेंस्ट सी एन एन आर सी, सब बांग्लादेशी लोग हैं, उनके साथ एंटी नेशनल ताकतें जोड़ देंगे। चलो कोई नहीं। दंडेली तो 15 साल वाला भी गलत है और नेशनल लेवल भी गलत है। दंडेली हॉर्नबिल कंजर्वेशन रिजर्व, दंडेली तो कर्नाटक, 86 का 86 का बी कर्नाटक। इंडिया एंड फ्रांस कंडक्टेड ज्वाइंट पेट्रोल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड, रीयूनियन, मालदीव, सेसल्स, रोडेक्स। फ्रांस का मालदीव पे भी हो, किसी पे भी हो सकता है, आई डोंट नो। 87 का ए रीयूनियन आइलैंड पे ज्वाइंट पेट्रोल किया, किसके लिए करते हैं पेट्रोल पता नहीं। बल्क ड्रग्स आर नोन एज एक्टू फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। बल्क ड्रग्स पार्क स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। नो आइडिया, सॉरी मैम। 88 का सी दोनों सही है। बल्क ड्रग्स को एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं और वो पार्क स्कीम बनाई जा रही है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घटाने के लिए। नेशनल आयुष मिशन एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, आयुष मिशन,
और आयुष्मान भारत वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ये दोनों सही लग रहे हैं यार। 89 का सी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेट हेज ऑफ इंडिया। एक ग्रेट हेज ऑफ इंडिया एक दीवार बनाई गई थी अंग्रेजों के टाइम पे सॉल्ट टैक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कस्टम कमिश्नर और उस समय जो भी दरोगा, नमक का दरोगा टाइप ऐसे लोग रखे जाते होंगे, वो सॉल्ट में इलीगल ट्रेडिंग को रोकने के लिए ये ऐसे पेड़ों की बनाई गई थी, करौंदे वरौंदे के पेड़ लगा दिए गए थे बबूल बबूल टाइप के, ग्रेट हेज ऑफ इंडिया कहलाती है ये, अंग्रेजों ने बनाई थी। और बनाई अंग्रेजों में भी किस किस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उसी बंदे ने जिसने कांग्रेस बनाई, एओ ह्यूम, उसने ही ग्रेट हेज ऑफ इंडिया बनाई थी। अब तो खैर इसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया, बाद में डिसमेंटल कर दी गई थी। इट वॉज बिल्ड बाई द ब्रिटिश, इट वॉज अ वॉल ऑफ थॉर्नी स्क्रब्स कटिंग अक्रॉस, इट वॉज बिल्ड टू इन्फोर्स टैक्सेस स्मगलिंग ऑफ सॉल्ट। दोनों तीनों सही है, 90 का तीनों सही वाला डी होना चाहिए, 90 का डी सब सही। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोपली रिवर, इससे ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, नाम से तो असम की लग रही है। इंटर स्टेट रिवर बिटवीन असम एंड अरुणाचल, दोनों सही लग रहा है मुझको यार, 91 का सी होना चाहिए, कोपली कोपली, 90 का डी, नाइदर वन नॉर टू है, तो धक्का लगा मुझे जान के, नाइदर वन नॉर टू मतलब ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है और ये असम और अरुणाचल प्रदेश की भी नहीं है, तो देखना पड़ेगा। कोपली को रिवर, कोपली रिवर इज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन मेघालय एंड आसाम, एंड लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र इन आसाम। तो पहला तो सही हो गया ना, फिर तो पहला इट्स ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, तो फिर डी क्यों दिया इन्होंने आंसर 91 का, 91 का डी, 91 का ए है, मैंने गलती कर दी थी, ये मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, बट असम अरुणाचल प्रदेश नहीं है, मेघालय असम है, मेघालय एंड असम, मेघालय मेघालय शिलोंग, आगे बढ़ते हैं। कहाँ गए, कहाँ पहुंचे, 92। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऋषिकुल्या, वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ आंध्र प्रदेश है, ऋषिकुल्या तो उड़ीसा की है। रिवर माउथ इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट एंडेंजर्ड ओलिव रिडले, सेकंड सही लग रहा है, 92 का, 92 का, 92 का बी, सेकंड सही है, पहला सही नहीं है। 93, फाइनेंस बिल इज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा इमीडिएटली आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ एनुअल बजट एज डायरेक्टेड बाय आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 है और फाइनेंस बिल मतलब टैक्स वाला मनी बिल। सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी देर इज नो अमेंडमेंट टू इनडायरेक्ट टैक्स इन द यूनियन बजट एज देर इज सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी देर इज नो अमेंडमेंट टू इनडायरेक्ट टैक्सेस इन द यूनियन बजट As there is under the purview of GST Council, भाई GST Council बना लो या कुछ कर लो, लेकिन देखेगी तो पार्लियामेंट ही ना। और पहला तो स्टेटमेंट फाइनेंस बिल इज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा इमीडिएटली आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, दोनों सही लग रहे हैं, 93 का
हाँ दोनों सही हैं। फाइनेंस बिल बजट की बात करते हैं, और जीएसटी के बाद से तो कोई अमेंडमेंट हुआ नहीं इनडायरेक्ट टैक्स में। यच गान इज एसोसिएटेड विद विच कर्नाटक? यार देखूंगा मैंने इसका, यच गान कर्नाटक फोटो जरूर देख लूंगा यच गान की। यक्ष गान संस्कृत थिएटर है। तुम की बोल छी? कौन उड़ीपी, कनाड़ा, शिमोगा, चिकमंगलूर, भक्ति मूवमेंट, तुल्लु, तुलुनाडु, डस्क टू डॉन, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, हिंदू, जैन, यक्ष, नेचर स्पिरिट्स, काव्य, स्टाइल ऑफ राइटिंग भी है। सारे वेरिएंट कॉस्ट्यूम्स तो अच्छे पहनते हैं। भस्मासुर मोहिनी, अच्छा कुंभलेक विलेज, कासरगोड, केरला, कुंभला, चलो। क्वेश्चन तो यही था। यक्ष गान कर्नाटका। कंसीडर फॉलोइंग स्टेट वर निक्षय पोषण अभियान। निक्षय पोषण अभियान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर न्यूट्रिशन सपोर्ट टू टीबी पेशेंट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। फर्स्ट सही है, दूसरा सही नहीं है। निक्षय पोषण अभियान कब स्टार्ट हुआ भाई? ये निक्षय पोषण अभियान, निक्षय पोषण योजना, टीबी पेशेंट के लिए निक्षय, सेंट्रल टीबी टीवी चैनल, निक्षय पोषण योजना। टीपी बीमारी के मरीजों को केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, निक्षय पोषण योजना। इलाज की अवधि के दौरान 500 रुपये महीना प्रथम पौष्टिक आहार के लिए, 500 रुपये पर मंथ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, निक्षय पोषण। ये तो मुझे कॉपी कर लेनी चाहिए भाई। और गवर्नमेंट स्कीम्स में डालना चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम्स सोशल सेक्टर की जीएसटी में होंगी आई थिंक। वल्नरेबल्स, अच्छा क्वेश्चन, ये क्या हो गया? कॉपी तो यही किया था। चलो निक्षय पोषण समझ गया। निक्षय पोषण योजना, क्षय रोग ऐसे कोई बोलते। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर द सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज कैरिड आउट बाय आरबीआई थ्रू पब्लिक डायरेक्टली।
दोनों सही लग रहे हैं मुझे। 96 का ए, पहला सही, दूसरा सही नहीं है। ओपन मार्केट आरबीआई पब्लिक के साथ डायरेक्टली नहीं करती है, बैंक से साथ करती है, तब भी मैं चेक कर लेता हूँ। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशन फेडरल सेशन यूएस टीजी सिक्योरिटी ऑन ओपन मार्केट इन ऑर्डर टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी टू बैंक और ग्रुप ऑफ बैंक। आम आदमियों के साथ नहीं है, बैंक्स के साथ है। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क इज द कोर एरिया ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, पब्लिक एक्सेस इनसाइड द पार्क इज प्रोहिबिटेड, लिमिटेड। ये कौन सी बात है। 97 का सी, दोनों सही है, लिमिटेड है। कंसीडर फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट रिगार्डिंग एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, यूनियन लेवल वाली कमेटी इज इन्वॉल्व एट द ऑल स्टेज ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। 98 का डी, दोनों गलत है। एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी सेंटर के साथ साथ स्टेट लेवल पर भी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए पार्ट ऑफ G20 समिट, अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया ब्राजील वेनेजुएला। जो ब्राजील अर्जेंटीना तो होगी, ऑस्ट्रेलिया तो पक्का ही होगी, वेनेजुएला नहीं होगी। 19 वेनेजुएला तो बिल्कुल कंगाल हो रखी है आजकल। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, युगादि सेलिब्रेटेड इन कर्नाटका आंध्र तेलंगाना, गुड़ी पड़वा सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र गोवा, दोनों सही लग रहे हैं। 100 का बी, बी सेकेंड ऑनली का युगादि में क्या दिक्कत है। युगादि, युगादि, युगादि नहीं, युगादि, युगादि, युगादि इज द न्यू स्टेट फ्रॉम आंध्रा तेलंगाना कर्नाटक। क्या गलत लिखा था, आंध्र तेलंगाना कर्नाटक इज सेलिब्रेटेड, ठीक है। उगादि कोई गुड़ी पड़वा, हंड्रेड का बी सेकेंड ऑनली, युगादि तो यार सही लिखा है। टाइम बिटवीन एंट्री ऑफ वायरस टू ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन इज इनक्यूबेशन, और कोविड का इनक्यूबेशन पीरियड 5 दिन का है। 101, 101 का सी, दोनों सही है। कोविड का इंक्यूबेशन 5 दिन का होता है, मतलब अगर आपकी बॉडी में वायरस है वो फिर इन्फेक्शन आए तो उसमें 5 दिन लग जाते हैं। अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन 2222 शैल बी अवेलेबल, नहीं, प्रिवेंटिव डिटेंशन में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, अप टू 3 ईयर्स पब्लिक सेफ्टी एक्ट। पता नहीं, पहला तो गलत ही है, दूसरा हो सकता है सही। 102 का डी, दोनों में से कोई सही नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट अच्छे से ले लेगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट मीन्स टू डिटेन ए पर्सन नॉन प्यूनिटिव पर्पजेस, इंडिया में मैक्सिमम 3 मंथ्स का हो सकता है। इट कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 3 मंथ्स अप टू टोटल ऑफ 12 मंथ्स। जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में दिक्कत वो 3 इयर्स का लगभग 3 महीने। स्टे होम इन इंडिया विद बुक्स, बुक्स आर अवेलेबल डाउनलोड इन हिंदी इंग्लिश, यार ये सब क्या है। 103 का ये, पहला सही दूसरा नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, रिसेंटली कोरोना वायरस पैंडेमिक नोटिफाइड एज ए डिजास्टर। 104 का सी, बोथ 1 एंड 2, डिजास्टर मैनेजमेंट स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली और कोरोना वायरस डिजास्टर की तरह आया था, डिक्लेयर किया गया था टेक्निकली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिसेफ, यूनिसेफ रिलाइज पार्शली ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डोनर्स, और इट्स हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा स्विट्जरलैंड।
दोनों गलत लग रहे हैं। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जिनेवा में नहीं है और गवर्नमेंट और डोनर्स यूनिसेफ का डोनर कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है और न्यूयॉर्क सिटी में है, चिल्ड्रंस के लिए, यूनाइटेड नेशन इंडन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इम्यूनाइजेशन देखती है, बच्चों के एचआईवी देखती है, बच्चों का न्यूट्रिशन देखती है, सैनिटेशन देखती है, प्राइमरी एजुकेशन देखती होगी बच्चों का। स्कूल इन अ बॉक्स, बॉक्स खुलेगा, स्कूल चालू, एक टीचर हो 40 बच्चों का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। ₹2,000 पर फार्मर विल बी प्रोवाइडेड और ₹500 पर मंथ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ टू वुमेन होल्डिंग ए जनधन बैंक अकाउंट। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में बहुत सारी चीजें थी, पीएम किसान 2,000 और जनधन वालों को 500 मंथ, दोनों सही लग रहे हैं मुझे, 106 80, हाँ दोनों सही हैं, किसान को ₹2,000 और वेमेन जनधन वाली को ₹500 पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसेंटली हेल्ड G20 समिट। It has committed to inject $10 trillion into the global economy to ensure the situation of depreciation doesn't arise. Leaders also agreed to contribute to WHO-led COVID-19 solidarity response fund on a voluntary basis. 107 का B. Second तो सही, लेकिन first Which of the following diseases is caused by coronavirus? SARS, Ebola, COVID-19. SARS हो सकता है और COVID हो सकता है, तो बहुत ही एनसी 108वें का डी। हाँ SARS भी coronavirus से ही होता है और COVID-19 भी coronavirus से ही है। Consider the following statement. Monetary Policy Committee fixes the benchmark interest rate in India. Monetary Policy meetings are held it 2 times a year, सही लग रहा है। सुना इनका ये पहला तो सही है, लेकिन 2 times a year का पता नहीं। Consider the following statement. Kavuthindal ritual, largest congregation of oracles, oracles मतलब भविष्यवाणी बताने वाले हैं। Ceremony is performed by the representative of villain. हाँ सही लग रहा है, केरला में होता है। 110 का सी। Which is the largest ethnic group in Arunachal Pradesh? Adi, Nisi, Galo, Ahom. Ahom तो हटा दो, असम के हैं। Galo, Nisi, Adi. Adi सबसे बड़े लग रहे हैं, 111. 111 का B है, Nisi सबसे बड़ी tribe है। Largest ethnic group Arunachal Pradesh में Nisi है, Nisi. Nisi. Adi नहीं है, Adi Nismi. Nisi, Nisi tribe, Nisi. Nisi, the largest ethnic group in Arunachal Pradesh.
बिंग आठ डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल प्रदेश के, हॉर्नबिल मार मुड़ के अपने ऊपर से लगा के बैठे हैं ऋषि साहब, झूम खेती करते हैं और डांस वांस का नाम है नोकुम, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, कांग्रेस ने इजाजत दे रखी थी पूरी क्रिश्चियन मिशन इसको। हॉर्नबिल की बीक चोंच तोड़ लेते हैं, मार डालते हैं वर्ल्ड को। निसी सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोल रही है इनको, भैया इनको रोक।